हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड की चर्चा तेज है। अब महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुक्ति में सीट बंटवारे को लेकर लगभग तय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में विभिन्न नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत के बाद यह जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार महायुक्ति गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक भाजपा राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी तक गठबंधन या किसी नेता ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बंटवारे के तहत 70 सीटें मिल सकती हैं और अजीत पवार की एनसीपी को 50 सीटें देने की पेशकश की गई है। अभी गठबंधन में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करने का फैसला किया गया है और चुनाव तक एकनाथ शिंदे ही चेहरा होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक में यह फार्मूला तय किया गया है। इस बैठक में महाराष्ट्र कोर ग्रुप के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा भी शामिल रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीट बंटवारे के तहत शिवसेना ने 90 और एनसीपी ने 70 सीटों पर दावा किया था, लेकिन भाजपा में इसे लेकर आंतरिक प्रतिरोध था। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रही है और उनके बीच अंतिम सहमति अभी नहीं बनी है। खासकर मुंबई और नागपुर की कुछ सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में नेताओं का पार्टी बदलना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के एक विधायक ने सोमवार को अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का दामन थाम लिया। दरअसल नासिक की इगतपुरी सीट से कांग्रेस विधायक हीरामन वीका खोसकर ने सोमवार को अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी का दामन थामा है। एनसीपी ने खोसकर के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया और कहा कि इससे नासिक क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हाल ही में मशहूर फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे ने भी एनसीपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद से इसकी चर्चा काफी तेज हुई थी। बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव दीपावली के बाद होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग बाकी दो राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं। वहीं सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जानकारी के अनुसार इन राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर या दूसरे तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। इसके साथ ही यूपी की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रहे यहां के चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसे में चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।